इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु अमुक अमुक प्रकार जो करे वहां वहां आपका वास। 14 स्थान महर्षि जी ने प्रभु को सुनाया, बताया नहीं, सुनाया। और 14 स्थान सुनाने के बाद कहे, चित्रकूट गिरि करहु निवास, तह तुम्हारे सब भांति अत्रियादि मुनिवर बहु बस, करहि जोग जप तप तन कस। हे प्रभु, चित्रकूट गिरि जाकर वास करिए, वहां उदासीन महापुरुष लोग रहते हैं। मनुष्य का जैसा स्वभाव हो ना, वैसे क्षेत्र का चुनाव करना चाहिए। अपना मंडप, अपना घर तो घर है ही है। शिव भक्त हैं, शिव क्षेत्र चुनिए। शक्ति भक्त हैं, शक्ति क्षेत्र चुनिए। कृष्ण भक्त हैं, दाहिने जाइए मथुरा वृंदावन। राम भक्त हैं, बाएं जाइए अयोध्या। जिस प्रकार का जीवन है, तप करना है नैमिषारण्य जाइए। अति पुनीत साधक सिद्धि दाता, बसहि तहां मुनि सिद्ध समाजा, तह ही हरषि चलेउ मनु। भारत भूमि में क्या विशेषता है साहब, जैसी आपकी साधना परंपरा है वैसे वैसे क्षेत्र को भगवान ने बना के भेजा है। यह आनंद कहीं नहीं। पूरी दुनिया में भारत भूमि जैसी जो भागवत भूमि है कहीं नहीं। आप चाहे जहां डोलाइए। हम लोगों ने प्रत्यक्ष देखा है, यह मधुरता, यह वातावरण, यह साधुता, यह सजगता, यह सरलता, यह सहजता। सामान इकट्ठा करने चाहे जिस देश में आप चले जाओ, परंतु यह भगवत भाव, भक्ति भाव कहीं नहीं है। व्यवहार व्यापार चाहे जहां जाके करिए। एक बगल का देश है हमारे फिजी, वहां अपने ही लोग हैं, गिरमिटिया गए थे मजदूर बनकर। एक मॉरिशियस देश है बगल में, वहां जो कुछ भी भगवत भाव है वो भारत से ले जाकर सजाया गया है। विशाल, पता नहीं 125 या 200 फीट की हनुमान जी की मूर्ति बनी है वहां। हनुमान जी कहां से गए? भारत भूमि से गए। इसी प्रकार मॉरिशियस में गंगा तालाब है, गंगाजल यहाँ से गया, वहाँ के लोगों ने संरचना बनाई और गंगा तालाब वहाँ भोले बाबा का विशाल मंदिर बनाए। अनेक, इसलिए हम जिस देश में रहते हैं, हम जिस भूमि में जन्म लिए हैं, यह देव भूमि, पुण्य भूमि, विज्ञ भूमि, भागवत भूमि, भक्तों की भूमि, ऋषियों की भूमि, इसमें हमारी निष्ठा, श्रद्धा, प्रतिष्ठा सब होनी चाहिए। मुनिवर वाल्मीकि बाबा ने प्रभु से कहा, आप चित्रकूट वास करिए। भगवान चित्रकूट पहुंचे, देवताओं ने देखा, भगवान मंदाकिनी तट पर जाकर राजमन किए, वंदन किए, और जब परिक्रमा लगा रहे थे कामदगिर की, तो एक स्थल बड़ा रमणीय जान पड़ा, और रमणीक जान पड़ा तो भगवान के भाव में आ गया कि यही कुटिया बने। बस रमबो राम मन देवन जाना, चले सहित सुर भपति सूरत।
भगवाये रचे परन त्रिन सदन सुहाई लखन जान के सहित प्रभु राजत रुचिर सोहम मदन मुनि रचिर तो आप में से चित्रकूट तो कोई गया ही होगा, लक्ष्मण भैया की कुटिया दूर है, लक्ष्मण पहाड़िया है वहां, और कामदगिर के पश्चिमी पृष्ठ भाग में देवताओं ने प्रभु और मां के लिए विशाल कुटिया बनाई, आज भी है, दिव्य है। भगवान कैसे शोभायमान हो रहे हैं, वन में है प्रभु, कुटिया में है, राजमहल नहीं है। बाबा कहते हैं देवी भगवान चित्रकूट की पावन कुटिया में ऐसे शोभायमान हो रहे हैं जैसे कामदेव बसंत ऋतु और अर्धांगिनी रति जी के साथ आके वन में आनंद पूर्वक वास कर व्यवस्था कैसी है इससे मन और चित्त की अवस्था का कोई लेना देना नहीं। अपनी चित्त और मन की स्थिति हमने यदि व्यवस्थित कर ली तो व्यवस्था कितनी अव्यवस्थित हो आप प्रसन्न रहेंगे। व्यवस्था का बोझ लाद कर नहीं चलना चाहिए। हमारे पूज्य पिताजी कहा करते थे कि लाला अपनी कुटिया कुटिया होती है और कुटिया छोड़कर जब घर से बाहर निकलो तो ये दिमाग और दिल दोनों जगह बिठा लो कि घर जैसी व्यवस्था कहीं नहीं होगी। आश्रम हो, यज्ञ हो, अरे बारात हो, किसी का घर हो, किसी के घर में आप रहेंगे, किसी के यज्ञ में जाएंगे, किसी की बारात में जाएंगे, तो आपके घर की व्यवस्था थोड़ी रहेगी। उसकी व्यवस्था उसके भाव के अनुसार है। परमात्मा चित्रकूट में अयोध्या के साम्राज्य को छोड़कर के आए तो कैसे, जैसे रति के संग में कामदेव बसंत का निर्माण करके वन में आनंदित रहते हैं वैसे मेरे सरकार भी वन में आनंद पूर्वक रहे, कोई कलेश नहीं। देवताओं ने आकर के कुटिया सजाई है। रमे वो राम मन देवन जाना चले सहित सुर थपति प्रधाना। थपति प्रधाना मन विश्वकर्मा। अब यहां स्मरण रखना है भगवान का वनवास हो गया, भगवान वन में है, कई कुछ नहीं। भगवान वन में है तो देवताओं ने वनवास कराया था ना, भगवान थोड़ी बनाए। देवताओं ने सरस्वती जी की जय जयकार की, हाथ जोड़कर वंदना किया, माई दया करो, आसुरी शक्तियों का समापन कराना है, अस्तु आपको भगवान को वन देना ही पड़ेगा। मां ने देवताओं के मंगल के लिए मान लिया। तो जहां जहां आवश्यकता होगी वहां वहां देवता लोग भगवान की सेवा में उपस्थित रहते हैं। प्रभु चलते हैं, मेघ छाया बनाते हैं, अरे जो जैसा संकल्पित तो होगा उसको वैसा व्यवहार करना पड़ेगा, देवता भी करते हैं।
नारायण। ऋषि मंडली ने सुना प्रभु आ गए। चित्रकूट रघुनंदन मुनिमंडली ने सुना, सब लोग आकर भगवान का स्वागत करते हैं और अपने सौभाग्य की सराहना करते। भगवान ऐसे रहते हैं वन में जैसे देवराज इंद्र अपनी राजधानी अमरावती में शची और पुत्र जयंत के साथ। निषाद जी को भगवान ने यमुना तट से विदा कर दिया था, उनके स्वजन परिजन लोग आए, वो भी भगवान का स्वागत करते हैं, यथा योग्य अपनी सेवा प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, हमारे स्वामी ने खबर जनाई है, हम लोग सपरिवार आपके सेवक है। हम सेवक परिवार समेत नाथन सकुचब वेद वचन मुनि मन अगम दे प्रभु करुणा वचन किरातन के सुनत जिम प्रतुभा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।